hello everyone you are welcome to best notes tutorials and today we will be talking about finite and non finite आज हम finite and non finite uh, verbs ko uses कर uh, use karna सीखेंगे unke uses Dekhenge. तो सबसे पहले देखिए कि इसमें confusion जरूर होता है कि कौन सा finite कौन सा non finite है हम इन्फिनेटिव का यूज करना भी सीखेंगे इसी वीडियो में इन्फिनेटिव अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊं तो शॉर्ट में इन्फिनेटिव क्या होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर मिल गई है टू के साथ तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं जैसे हम कहें टू रन तो ये हो गया आपका इन्फिनेटिव राइट right. और जेरन अगर मैं आपको शॉर्ट में जेरन बताऊँगा तो इसे आप याद रख लीजिए कि जेरन क्या होता है वैसे वर्ब वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को अच्छे से ये डिटेल में बताया है तो जो जेरन होता है जेरन एक्चुअल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो कि यूज की जाती है एज अ नाउन प्लस एज अ वर्ब वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज की जाती है तो चलिए अब इसको फिनिश करते हैं टॉपिक को देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें कंफ्यूजन रहता है कि फाइनाइट एंड नन फाइनाइट क्या होता है तो नन फाइनाइट मीनस नो uh, चेंज no तो जहां पे आपका क्या जाएगा? आ जाएगा नन आ जाएगा नन आ जाएगा तो आपको याद रखना है कि नो no, आपको एक चीज याद रखनी है नो no चेंज तो आपको चेंज नो चेंज का क्या मतलब हुआ ये अभी आपको समझ में आ जाएगा बस अब अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो नन मीन्स है नन मीन्स नो आपको याद रखना है राइट right? और फाइनाइट में चेंजेस होते हैं तो फाइनाइट में क्या है जो वर्ब होगी जैसे अगर हम बात करें कि रन uh, ही वर्ब ले, ले लेते हैं यहाँ पर कि आपकी जो वर्ब है वो है आपकी रन अब रन वर्ब क्या होती है आपकी आ, अगर सेंटेंस में चेंज आ रहा है इसमें अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखें टेंस के अकॉर्डिंग देखें अगर इसमें चेंज आ रहा है इस वर्ब में राइट तो हम कहेंगे कि ये क्या है फाइनाइट वर्ब है अभी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे क्लियर हो जाएगा बस अभी मुझे आपको ये बताना है ये याद करवाना है कि नन मीन्स नो होता है बस इतना शॉर्टकट याद रखिए ठीक है अगर इसमें नहीं चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगी नन फाइनाइट होगी और राइट अब नन फाइनाइट और फाइनाइट का मतलब क्या है याद करने का वो ये है कि हमें सेंटेंसेज में एरर भी ढूंढना पड़ता है मीन्स जो गलती है वो ढूंढनी पड़ती है या सही जो ऑप्शन है उसे चूज करना है तो फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ जैसे यहाँ पे लिखा है ही uh, रीड्स और दूसरा लिखा है दे आर रीडिंग तो यहाँ पे जो रीड वर्ब है ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको समझना है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होते हैं इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए रीड का क्या हो गया है रीड्स हो गया है क्योंकि इसमें एस लगा है अब अगर हम ध्यान देंगे कि ये एस क्यों लगा तो आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे क्या था ही था और ही आपका क्या है सब्जेक्ट है ये बात आपको आ, जो बेसिक मैंने वीडियो बनाया है टेंसिस पे और सेंटेंस टाइप्स पे उससे समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है अगर आपको नहीं समझ में आता तो अब देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जो रीड है उसका रीड्स क्यों हुआ क्योंकि सब्जेक्ट ही था तो जब ही का इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है रीड पे पड़ रहा है यहां पे क्लियर है कि जो ही है सब्जेक्ट है उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है रीड पे पड़ रहा है इसका मतलब इसमें चेंज हो रहा है इसका मतलब जो रीड है वो क्या है आपकी फाइनाइट वर्ब आप है इतनी बात आपको ध्यान रखनी है अब चलते हैं दूसरे में देखते हैं यहां पे क्या है दे आर रीडिंग यहाँ पे रीडिंग पे किसका इम्पैक्ट आ रहा है आर का आ रहा है all right? अगर यहाँ पे आर की जगह मैं कर देता, have कर देता all right? तो जो read है रीड की थर्ड फॉर्म हो जाती रेड हो जाता दे हैव रेड क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है प्रोनाशिएशन आपका अलग अलग होता है तो यहाँ पे क्या है रीड का क्या हो गया रेड तो दे आर रेड हो दे हैव रेड हो जाता आपका किसका इम्पैक्ट पड़ रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब का इम्पैक्ट पड़ रहा है और अगर हम हेल्पिंग वर्ब को इनडायरेक्टली बोले तो हेल्पिंग वर्ब को ही हम टेंस मान सकते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो बेसिकली टेंस को ही रिप्रेजेंट करती है इसका मतलब अगर डू डज है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा इज एम आर है तो कॉन्टिन्यूस होगा ओके अगर हम एक्टिव uh, वॉइस की बात कर रहे हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो रीड है जो यहाँ पे रीडिंग है इन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है किसका यहाँ पे सब्जेक्ट का आपका क्या पड़ा इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पे किसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हेल्पिंग वर्ब का इम्पैक्ट पड़ रहा है अब जो नन फाइनाइट वर्ब होती है नन फाइनाइट वर्ब पे सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब का या टेंसिस का किसी चीज का इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं एग्जाम्पल है आपका ही हैज टू रीड ही हैज टू रीड यहाँ पे देखो आपका क्या है टू रीड मैंने क्या यूज किया है वर्ड टू रीड और ध्यान एक चीज और देखिए कि कोई भी वर्ब आपकी फाइनाइट और नन फाइनाइट हो सकती है हमें सिर्फ उसकी पोजिशन देखनी है कि एक जो पूरा सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है उसकी पोजिशन कहाँ है अगर वो उसमें अपनी पोजिशन के अकॉर्डिंग चेंजेस आ रहे हैं तो आपकी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी अगर नहीं चेंजेस आ रहे हैं अगर तो आप नहीं चेंजेस मतलब नो no, तो आपको नन कर देना है उसे तो वो आपकी नन फाइनाइट होगी इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम बाद में कि किस किस के साथ फाइनाइट यूज होती है किसके साथ नन फाइनाइट होती है इन्फिनेटिव होती है अब जो नन फाइनाइट है उसे कभी कभी इन्फिनेटिव भी बोला जाता है क्यों अब दोनों चीज़ों देखिए कि अगर इंग्लिश में अगर आप कहीं टू यूज कर लेते हैं उसके बाद वर्ब यूज करते हैं तो हमेशा क्या होगी फर्स्ट फॉर्म होगी इसका मतलब ये कभी चेंज नहीं होगी तो कभी चेंज नहीं होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे फाइनाइट ही बोलते हैं अब चलिए देखते हैं कहने का मतलब क्या है कि जो नन फाइनाइट है वही आपका इन्फिनेटिव भी हो सकती है जो इन्फिनेटिव है उसी को हम नन फाइनाइट बोल सकते हैं यहां पे देखिए यहां पे है आपका टू रीड तो यहां पर अगर मैं ही को दे कर दू तो मैं बोलूंगा कि दे हैव अब देखिए यहां पे हैव भी हो गया लेकिन टू रीड चेंज नहीं होगा टू रीड पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा टू रीड आपका टू रीड ही रहेगा चाहे आप यहाँ पे दे कर दीजिए जैसे हमने पिछले केस में देखा था अगर हम इसके पिछले केस में जाते हैं यहां पर देखते हैं कि जो ही है ही की जगह अगर मैं आई कर देता हूं तो रीड्स का क्या हो जाएगा रीड हो जाएगा दे कर देता हूं तो दे रीड हो जाएगा ओके तो इस तरह से क्या हो रहा है जो सब्जेक्ट है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसका मैंने आप लोगों को बता ही दिया सेकंड वाले का अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है ही हैज टू रीड अब यहाँ पे मैं अगर दे करूँ चाहे आई करूँ कुछ भी कर दूँ इसको ठीक है तो ये क्या नहीं होगा अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि हम ये सारे टर्म्स पढ़ते क्यों हैं ये टर्म्स इसलिए हमें समझ में आने चाहिए कि आगे जो रूल्स होते हैं ग्रामर uh, के वो हमें बहुत अच्छे से असाइमलेट हो पाते हैं बहुत अच्छे से उनकी अंडरस्टैंडिंग बन पाती है इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा हमें समझना पड़ता है चाहे मैं यहाँ पे ही कर दूँ तो ही अच्छा ही तो ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे शी कर लेता हूँ अगर मैंने जेंडर भी चेंज कर दिया तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा टू रीड आपका वैसा ही रहेगा तो शॉर्टकट आप लोगों को याद होगा कि जहाँ चेंज नहीं होता है मीन्स नो no होता है उसे हम नन फाइनाइट कह देते हैं अब आ जाते हैं दे लाइक रीडिंग पे अब मैं आ, वी कर देता हूँ इसको ठीक है तो वी लाइक रीडिंग ही रहेगा right? क्योंकि रीडिंग कोई यहां पर किसी कोई वर्ब नहीं है कोई एक्शन नहीं है रीडिंग में आपका किसी काम का नाम है ध्यान दीजिए किसी काम का नाम जैसे रीडिंग कोई काम हो गया ना तो मैंने कहा कि रीडिंग आई दे लाइक रीडिंग इसका मतलब रीडिंग क्या है काम का नाम है इसलिए ये क्या है एक नाउन है बट दिखने में तो ये वर्ब है इसलिए इसे हम क्या कहेंगे जेरन कहते हैं तो जो जरंड, जैस जैसन किसे कहते हैं वो दिखती तो वो अब है बट काम वो किसकी करती है नाउन की करती है ये आपको बात समझ में आ गई होगी आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इंफिनेटिव दो टाइप के इन्फिनेटिव होते हैं एक होते टू इंफिनेटिव उन्हें टू इन्फिनेटिव बोलते हैं क्यों क्योंकि वर्ब में टू लगा होता है एक होते हैं बेयर इन्फिनेटिव बेयर मीन खाली मीन्स उनमें टू लगा नहीं होता है बट वो आपके इंफिनिटी की तरह काम करते हैं आगे चलते हैं ओमिशन ऑफ टू कि टू कहाँ नहीं लगाना है right? तो अगर इफ द प्रिंसिपल एंड मेन वर्ब क्या होती है जो फर्स्ट वर्ब आती है किसी अ किसी सेंटेंस में वो आपकी प्रिंसिपल वर्ब होती है तो अगर प्रिंसिपल वर्ब आपकी मेन वर्ब आपकी क्या है प्लीज है सी है हियर नीड नीड नॉट फील हो गया डेयर नॉट लेट मेक बेड वॉच ऑब्जर्व बिहोल्ड नो और हेल्प होगा तो आप क्या करेंगे वहां पर टू यूज नहीं करेंगे अब इसी तरह से आपके पास में क्या होगा इन्हीं में से कोई एक वर्ब आ जाएगी और आगे टू लगा दिया जाएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा मिस्टेक हो जाएगी तो इसलिए आपको ये चीज समझनी है तो अब चलिए इसे देखते हैं आई सो हर वीप आई सो हर वीप में आप अगर मैं यहां पे लिख देता कि आई सो हर और डैश कर देता और आपको ऑप्शन दे देता वीपिंग ओके वीपिंग हो जाता आपका अगला जो ऑप्शन दे देता टू वीप दे देता और राइट थर्ड ऑप्शन दे देता वीप ओके और चौथा ऑप्शन वेप्ट हो जाता तो आपका क्या हो जाएगा आंसर वीप हो जाएगा आई सॉ हर वीप क्योंकि मैंने सो सी नीड नॉट ये हमें याद रखने होते हैं और प्रैक्टिस करने होते हैं लिव एंड लेट लिव लिव एंड लेट लिव तो यहां पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि लिव टू लिव नहीं होगा ही मेड मी साइन दिस लेटर ये कॉजेटिव वर्ब होती है क्योंकि मेड क्या है आपकी कॉजेटिव वर्ब है तो यहाँ पे क्या होगा He made me to sign हम, uh, sign ही मेड मी टू साइन की जगह हम साइन ही यूज करेंगे इसका मतलब साइन क्या है सही है यहाँ पर ओमिशन ऑफ टू में हम नेक्स्ट देखेंगे विद एडजेक्टिव बेटर अगर कहीं पर आपका एडजेक्टिव बेटर यूज हुआ है तो आप टू यूज नहीं करेंगे बेटर बी विद विदी डेट यहाँ पे बेटर टू बी नहीं होगा बेटर बी be होगा आगे देखते हैं अगर कहीं पे हैड बेटर आता है हैड रादर आता है हैड सूनर आता है अगर इस तरह के कोई भी वर्ड आते हैं तो आपको क्या नहीं यूज़ करना है जैसे यू हैड बेटर स्टार्ट एट वंस यू हैड बेटर टू स्टार्ट नहीं होगा बल्कि स्टार्ट होगा अगला देखते हैं वुड राधा अगर आपका यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है वुड राधा यूज़ हो रहा है तो आप देख सकते हैं आई वुड राधा वेट टिल टमारो अगला जो है ओमिशन ऑफ टू जहाँ पे कि हम टू uh, को ऑमिट करेंगे वहाँ पर हम टू यूज़ नहीं करेंगे आफ्टर कंजक्शन देन यहां पर क्या है आपका कंजक्शन अगर देन यूज हो रहा है तो आप यूज कर, करेंगे क्या टू uh, यूज नहीं करेंगे सेंटेंस देखते हैं ही इज बेटर एबल टू वॉक देन रन नॉट देन टू रन राइट तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है आफ्टर बट एंड एक्सेप्ट यहाँ पे आपको देखना है कि अगर बट और एक्सेप्ट आया है तो आप टू का यूज नहीं करेंगे वी हैव कंस्ट्रक्शन डू एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग सो so, हम बोलेंगे ही डिड नथिंग बट लाफ देखिए ही डिड नथिंग बट लाफ फंक्शन ऑफ इंफिनेटिव अगर इन्फिनेटिव के जो वर्क है फंक्शन है वो क्या क्या है जैसे एज अ सब्जेक्ट ये वर्क किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट वर्क कर सकता है टू सेव मनी फॉर फ्यूचर इज नेसेसरी ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है शी एग्रीड टू पे रेज थाउजेंड रुपीज यहां पर आपको ध्यान देना अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह समझ में नहीं आती हैं तो आप फर्स्ट वीडियो जो ग्रामर कोर्स uh, का है उसे आप रेफर कीजिए वहां पर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सारी चीजें समझ में आ जाएंगी ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन जैसे ही वॉज अबाउट टू डाई अगर प्रेपोजिशन यूज हुआ है तो उसके उसका ऑब्जेक्ट ये हो सकता है अगर आपको चीजें कुछ समझ ना भी आए तो इन सेंटेंसेस को आप लाइन से लिखकर उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत बार कि जब आप इस तरह का कोई सेंटेंस देखें तो आपको समझ में आ जाए कि कहां टू यूज करना है कहां नहीं करना है इन अपोजिशन विद इट इट इज डेंजरस टू लर्न आउट टू लीन आउट ऑफ द विंडो विंडो से झुकना क्या हो सकता है खतरनाक होता है अगला जो है एज एन एडजेक्टिव हम उसे एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं जैसे वी नीड टू क्लीन एयर टू ब्रीद एज एन एडजेक्टिव इनफिनेटिव मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव इनफिनेटिव क्या करता है एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है मीन्स उस पर कुछ ऐड कर सकता है जैसे द किड्स आर वर रेडी यहाँ तक सेंटेंस है रेडी टू गो तैयार किसके लिए हुए हैं गो जाने के लिए मॉडिफाइज अ वर्ब एक वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है ंग टू बाय अ कार वी आर लुकिंग टू बाय अ कार लुकिंग को फिर हमने टू बाय करके और मॉडिफाई कर दिया ही वेप्ट टू सी दैट साइट कुछ हम इंपॉर्टेंट यूसेज देखेंगे और उन्हें आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है इन्फिनेटिव टू एक्सप्रेस मैनर इन्फिनेटिव हम मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं जैसे अगर कोई वर्ब आ गई आस्क एक्सप्लेन डिस्कवर नो लर्न टीच वंडर तो उनके साथ में हम यूज कर सकते हैं इंफिनेटिव पीछे हमने देखा था कहाँ यूज नहीं करना है आई वंडर वट डू आई नो हाउ टू स्विम ये ये वाला जो सेंटेंस है इसे ध्यान से देख लीजिए कि जब भी कभी मैनर अगर कहीं पर बात हो रही हो मैनर की बात कि कोई चीज कैसे की जाएगी जैसे आई नो हाउ टू टीच आई नो हाउ टू कुक आई नो हाउ टू ड्राइव ये हम सेंटेंस ये सेंटेंस इंग्लिश में गलत होता है आई नो ड्राइविंग ओके आई नो कुकिंग तो हमें क्या यूज करना है आई नो हाउ टू कुक राइट नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन ही टोट मी हाउ टू स्पीक जैपनीस आई फॉगट वट टू राइट इन दिकेशन इफ नाउन फॉलो इफ नाउन फॉलोज इन्फिनेटिवी यूज अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन कहीं कहीं सेंटेंस में हमारा ये वाला कंस्ट्रक्शन भी यूज होता है कि सेंटेंस के लास्ट में हमें क्या करना होता है uh, जो प्रपोजिशन है उसे यूज करना होता है कब अगर किसी नाउन के बाद में इंफिनेटिव आता है इंफिनेटिव क्या होता है टू प्लस वर्व की फॉर्म जैसे आई हैव नो बेड टू स्लीप जैसे बेड आपका क्या है नाउन है उसके बाद मैंने वर्ब यूज कर ली टू स्लीप तो उसके बाद मुझे प्रेपोजिशन यूज करना है और प्रेपोजिशन हमें क्या यूज करना है बेड के अकॉर्डिंग इन तो हम यूज करेंगे आई हैव नो बेड टू स्लीप इन शी नीडेड अ चेयर टू सिट ऑन डायरेक्ट और बेयर इन्फिनेटिव अगर हमें डायरेक्ट और बेयर इन्फिनेटिव की बात करें जहां हमें क्या यूज नहीं करना टू यूज नहीं करना तो आप लोगों को ध्यान रखना है हैड बेटर हैड सुना हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, दून देन एंड रादर देन ये सब आपको इनके साथ आपको बेअर इंफिनेटिव यूज करना है बेयर इन्फिनेटिव या डायरेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है जहां टू का यूज नहीं होता यू हैड बेटर लीव यू हैड बेटर लीव सबसे अच्छा तरीका जो है वो या आप ट्रिक कहें या तरीका कहें या बेस्ट वे कहें वो देखिए ग्रामर क्या है बहुत वास्ट भी है तो हमें कुछ सेंटेंसेस जैसे ये आपके सेंटेंसेस हैं इनको आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए ट्वेंटी सेंटेंसेस लिख लीजिए उन्हें बार बार पढ़िए जब आप बार बार पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा कि जब भी यू हैड बेटर टू लीव आएगा आपको पता चलेगा ओके वो उस टाइम पे बैटर के बाद मैंने टू यूज़ नहीं किया था इसका मतलब मुझे टू यूज़ नहीं करना है तो आपके जो ऑप्शन होते हैं यूजअली उनसे आपको आइडिया लग जाता है आप कंफ्यूज नहीं होते चीज़ों के लिए आई वुड राधा डाई देन बैग तो आपका वुड राधा यहाँ पर यूज़ हुआ है और यहाँ पे आपने देखा हैड बेटर यूज़ हुआ है तो इसलिए हमने क्या यूज़ नहीं किया टू का यूज़ हमने नहीं किया यूज ऑफ बेयर इफ दीज वर्ब्स आर इन एक्टिव वॉइस अगर ये जो वर्ब्स हैं ये अगर एक्टिव वॉइस में हैं तो आप क्या है बेयर इंफिनेटिव यूज करेंगे आई बेड हिम टू गो आउट माई मदर मेड मी डू द होमवर्क तो ध्यान रखिए कि जब आपके ये वर्ब्स अगर आपकी एक्टिव वॉइस में अगर आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं समझ में आते तो उसके लिए मैंने कोर्स में आपका कंप्लीट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत बेसिक से और एडवांस लेवल तक समझा है आप उसे देख सकते हैं सो so, अगर आपका बिड मेक हेल्प फील सी वॉच हियर ये कोई भी वर्ड अगर आता है तो आपका टू यूज नहीं होगा माई मदर मेड मी डू द होमवर्क आई वॉज हिम प्ले यूज ऑफ इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है अगर ये जो verbs हमने अभी देखी थी जब पीछे देख लेते हैं फिर से अगर बिड मेक हेल्प फील सी वॉच या अगर आपकी एक्टिव वॉइस में है तो आपको टू यूज नहीं करना है अगर ये आपकी पैसिव वॉइस में है तो आप इनमें टू यूज कर सकते हैं जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आई वॉज मेड टू वॉश ऑल द्लॉस क्लॉथ सो यहाँ पे आई वॉज मेड आपका जो है एज अ कमान सो यू कैन से आई वॉज बिडन टू लिव द रूम एट वंस यहाँ पे बिड बेड बेड मीन्स पे प्राइस जैसे ही बेड हंड्रेड डॉलर फॉर दी वर्क यहाँ पे बिड की दो मीनिंग हो सकते हैं एक बिड एज ए वर्ब इसलिए मैंने ये दोनों वर्ब यहाँ पर यूज की हैं कि जिससे आपको दोनों चीजें पता चल जाए ना कि बिड मीन्स पेपराइज भी होता है और बिड मीन्स कमांड भी हो सकता है तो आई बेड हिम लीव द रूम ये आपका क्या है एक्टिव वॉइस में है ये आपका एक्टिव वॉइस में है इसलिए हमने यहाँ पर टू का यूज नहीं किया यहाँ पर आप देखेंगे बिड का यूज आपका आ, कमांड के लिए आ, सॉरी पैसिव वॉइस में यूज़ हुआ है इसलिए आपका यहाँ पर टू का यूज हुआ है अब यहाँ पर थोड़े से इंपॉर्टेंट कुछ केसेस होते हैं ये आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि नीड और डेयर पे क्वेश्चन पूछा जाता है अगर ग्रामर का इस पार्ट से क्वेश्चन कोई पूछेगा तो नीड और डेयर से ही क्वेश्चन पूछेगा इसलिए आपको इनको अगर आपको समझ ना भी आए कोई चीज़ तो आप इन्हें जरूर रट लीजिए दो सेंटेंस रट लीजिए एक नीड का रट लीजिए और एक डेयर का रट लीजिए तो चलिए यहां पे देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं पहली बात है कि समझ लीजिए यू नीड नॉट टू वरी यू नीड नॉट टू वरी गलत क्या है इसमें टू का यूज है यहाँ पे आपका होना चाहिए यू नीड नॉट वरी वी डेयर नॉट टू डिस ट्रैफिक रूल्स तो यहां पे होगा वी डेयर नॉट डिस ओबे नॉट टू यहां पर आपका क्या है मिस्टेक है नीड आई टेक दिस एग्जाम नीड आई टू टेक दिस एग्जाम ये आपका गलत है क्योंकि अगर नीड और डेयर का यूज हो रहा हो तो आप टू का यूज नहीं करते अब आपका जो अगला है कुछ फ्रेजेज हैं जिनके लिए आपको ध्यान रखना है कि उसमें हमें किस तरह से यूज करना है बेयर इन्फिनेटिव ही यूज होते हैं अगर वाई से कोई चीज शुरू हो रही है या वाई नॉट से शुरू हो रही है तो बेयर इंफिनेटिव यूज होगा जैसे वाई नॉट लर्न दिस गेम नाउ तो आपका जो मिस्टेक आएगी वो किस तरह से आएगी या ऑप्शन में आपका टू लर्न आ जाएगा ओके वाई नॉट टू लर्न वाई नॉट टू लर्न दिस गेम नाउ ये इस तरह से पूछा जाएगा तो जो टू नाउ है वो आपका क्या है बेअ uh, इंफिनेटिव आना चाहिए वाई नॉट के साथ में या वाई के साथ में वाई जॉइन दिस इंस्टीट्यूट वाई टू जॉइन दिस इंस्टीट्यूट ये आपका मिस्टेक हो जाएगी अगर ये सेंटेंस होता आपका कि वाई जॉइन ट्यूट तो ये आपका क्या हो जाता मिस्टेक हो जाती तो इस ये आपका क्या है टोटल आपके बे इंफिनेटिव के यूसेस हैं विद हैम स्पीक द्रूथ अगर कभी हैव और ऑब्जेक्ट साथ में आ रहा है देखिए आई विल हैव हिम यहाँ पे हैव और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट object है ऑब्जेक्टिव केस है और राइट right? तो आपका ये क्या, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस अगर नहीं समझ में आता आपका तो आप प्रोनाउन वाला चैप्टर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कोर्स में तो आप उसे बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको सारी चीजें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस पजेसिव केस सब समझ में आ जाएंगे तो आई विल हैव हिम स्पीक द ट्रूथ ओके अगर आपका हैव और ऑब्जेक्ट साथ में आता है तो बेयर आर इन्फिनेटिव यूज होता है दे विल हैव मी पे द अमाउंट दे विल हैव मी पे द अमाउंट तो जो बेस्ट तरीका है अगर स्पोकन पर्पज से अगर देखा जाए तो स्पोकन पर्पज से जो स्पोकन की जो क्लासेस होती हैं उसमें आप लोगों को मैं यही बोलता हूँ कि आप इसे थाउजेंड टाइम अगर बोल देंगे तो आप स्पीकिंग में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे लेकिन और सेम चीज़ मुझे लगता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी काम करेगी अगर आप इसे थाउजेंड टाइम बोल देंगे तो सी बात है ये एक नेचुरल बन जाएगा आपका एक्टिव वोकेबलरी बन जाएगी और आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपको अगर सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप लोग ये रूल्स जरूर याद रख लीजिए कि वी हैव ऑब्जेक्ट के साथ में बेयर इन्फर्नेटिव यूज होता है कुछ जो स्पेशल वर्ब्स होती हैं उन स्पेशल वर्ब्स में देख लेते हैं जैसे गो ऑन के साथ हो गया गो ऑन के साथ में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कब आएगी और आईएनजी फॉर्म कब होगी रिग्रेट के साथ आईएनजी और रिग्रेट के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कब होगी तो गो ऑन का मतलब होता है जब हमारा मतलब होता है कि कंटिन्यू कीजिए मींस चलते रहिए या कुछ चीज करते रहिए तो इसमें एक सेंटेंस है ही वेंट ऑन टॉकिंग अबाउट हिज बिजनेस वो अपनी बिजनेस के बारे में बोलता चला गया मींस उसने कंटिन्यू कर किया था उस काम को तो ही वेंट ऑन टॉकिंग होगा ओके तो जब भी आप गो ऑन तो क्योंकि फॉर्म है इसलिए वेंट हो गया तो गो ऑन प्लस आई एन जी फॉर्म मीन्स कंटिन्यू के बारे में बात हो रही है गो ऑन टू इसका मतलब होगा चेंज ऑफ एक्टिविटी इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है राइट मीन्स वर्ड क्या है सेम है गो ऑन हो गया गो ऑन हो गया लेकिन अगर उसमें हम आई एन जी फॉर्म यूज करेंगे या, या इन्फिनेटिव यूज करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाता है वर्ड का तो देखिए ही स्टॉप टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड वेंट On to describe, ध्यान से देखिए, पे उसे हो गया कि पहले वो अपनी problems के बारे में बात कर पॉसिबल सोल्यूशन अगला है आपका रिग्रेट प्लस आई एनजी रिग्रेट प्लस आई एनजी आपका पास्ट को शो करता है और जो रिग्रेट प्लस फॉर्म जो आपकी इन्फिनेटिव फॉर्म यूज होती है उसमें यूज मोस्टली इन न्यूज अबाउट अनाउंसमेंट ऑफ इन अनबल न्यूज अगर अनडिजायरेबल न्यूज के बारे में बात हो रही हो जैसे दे रिग्रेट फॉर दिस हाउस इसका मतलब सॉरी दे रिग्रेट पेइंग फॉर दिस हाउस मीन्स उन्होंने कोई काम पास्ट में किया था अब वो उसके बारे में रिग्रेट कर रहे हैं अगला है वी रिग्रेट टू इंफॉर्म यू ओके ये आपने ज़्यादातर लेटर में देखा होगा कि जैसे वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू इस तरह से तो यहाँ पे आपका क्या है अगर अनाउंसमेंट है और अनडिजायरेबल न्यूज है तो वहां पर हम यूज करते हैं वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन होता कि वी रिग्रेट इन यू तो गलत हो जाता है राइट तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि रिग्रेट के साथ में टू प्लस वर्फ की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी और आई एन जी फॉर्म कब आती है उनका मीनिंग क्या होता है एडवाइस अलाउ परमिट फॉबिट दे कम विद एन ऑब्जेक्ट तो इन्फिनेटिव आएगा अगर इनके साथ में एडवाइज अलाउ पॉर्मिट और फॉर्मिट के साथ में अगर ऑब्जेक्ट आता है तो आपको इन्फिनेटिव यूज करना है अदरवाइज आप कोई भी अगर और केस होता है अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो इन्फिनेटिव यूज कर दीजिए इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म नहीं तो फिर आई एन जी फॉर्म आती है जैसे वी प्रोहिबिट स्मोकिंग तो प्रोहिबिट के बाद क्या नहीं है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं आई एन जी फॉर्म यूज कर रहे हैं प्रोहिबिट पीपल अब क्योंकि मैंने प्रोहिबिट के बाद में पीपल वर्ड यूज कर दिया है तो पीपल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया इसलिए हमने टू स्मोक यूज किया आई वुडेंट एडवाइज टेकिंग दिल्स यहाँ पे क्या है टेकिंग एडवाइज तो एडवाइज वर्ड के साथ में अगर क्या नहीं आया है ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे आईन जी फॉर्म यूज करेंगे अगर एडवाइज एनिमन तो एनिमन क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के साथ में टू टेक वर्ड यूज होता है सी वॉच हियर हिज प्लस आई एन जी अगर ये सी प्लस सी वॉच हियर आता है कहीं पर तो हम यूज करेंगे आई एनजी फॉर्म देखिए मींस वन पास्ट एक्श अटेंशन टू इवेंट और एक्शन दैट आर ऑलरेडी गोइंग ऑन आई सॉ the ओल्ड मैन क्रॉसिंग द रोड अगर इस तरह का कोई भी वर्ड आता है और इसका मीनिंग हो कि कोई आ, पास्ट अटेंशन हो ना कि हम किसी चीज को ध्यान से देख रहे हैं तो I saw द ओल्ड मैन क्रॉसिंग रोड इसका मतलब मैं देख रहा था आ, एक बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस करते हुए इसका मतलब वो वहां अटेंशन पे कर रहा था राइट इफ दीज वर्ड शो कंप्लीट इवेंट और एक्शन यूज डायरेक्ट और बेयर इंफिनेटिव अगर मैं अटेंशन की बात नहीं कर रहा इसे कंप्लीट एक्शन की बात करूं तो हमें टू यूज नहीं करना ना ही हमें आई एन जी जेर एंड यूज करनी है हमें डायरेक्टली ओल्ड मैन क्रॉस द रोड एंड डिस इन द गैलरी तो यहां पे और यहां पर क्या डिफरेंस है यहां पे क्या है थोड़ा सा मैं यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं कि एक रोड थी यहां पर आप खड़े थे आपने एक बूढ़े आदमी को यहां से देखा अब आप इसको देखते जा रहे हैं और वो बूढ़ा आदमी क्रॉस कर रहा है रोड को तो यहाँ आप डायरेक्टली उसको देख रहे हैं और आपका जो फोकस है वो उस बूढ़े आदमी के क्रॉस करने पर है कॉन्टिन्यूस एक एक्शन आप वहां अटेंशन पे कर रहे हैं लेकिन आपने एक सडनली इसे देखा और फिर अब इसने क्रॉस कर दिया सडनली right, देखा क्रॉस किया अब ये चला गया तो ये एक पास्ट एक्शन हो गया ओके जहां पर आपने बहुत ज्यादा अटेंशन पे नहीं की थी तो वहां पर हम क्या करेंगे सिंपल बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे जैसे आई सॉ द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड एंड डिसअपियर इन दी गैलरी इसका मतलब मैंने उसे देखा और वो गैलरी में चला गया ओके मींस थोड़ा सा मूवमेंट था बस लेकिन यहां पर क्या था यहाँ पर बहुत लंबा एक टाइम तक आप अटेंशन पे कर रहे थे और वो मूवमेंट already चल रहा था. going on go on means चलता हुआ कोई भी action try try plus ing to see what will happen after the experiment अगर आप ट्राई प्लस आई एन यूज कर रहे हैं तो इसका मीनिंग होता है कि आप किसी चीज को ट्राई कर रहे हो और उसके बाद आप देखना चाह रहे हो कि इससे क्या होता है जैसे आई ट्राइड राइटिंग ओके एन ऐसे बट इन वेन मैंने राइटिंग एन एस ए ट्राई किया मैंने एक निबंध लिखने की कोशिश की लेकिन सब बेकार हो गया ट्राई टू मीन्स मेकिंग एन एफर्ट ट्राई टू का मतलब आप कोशिश कर रहे हैं किसी चीज के लिए यहाँ पे आप सिर्फ हाथ अजमा रहे हैं ओके okay? अगर ट्राई प्लस आई एन जी है इसका मतलब मैंने हाथ अजमाया उसमें मैंने ज्यादा एफर्ट नहीं डाला उसमें लेकिन ट्राई टू का मतलब आपने वहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट डाला बहुत कोशिश की यहाँ पे आपने कोशिश नहीं की यहाँ पे आपने कोशिश की है आई ट्राई टू बिल्ड दॉल बट माई को वर्कर्स डिडेंट हेल्प मी मैंने काफी कोशिश की वॉल बनाने के लिए तो ध्यान देखिए आई एन जी हो गया और टू का कितना बड़ा डिफरेंस है एक सिंगल वर्ब है आपकी ट्राई अगर आप उसमें आई एन जी लगा देते हैं तो सुनने वाले को ये लगेगा कि आपने सिर्फ इसे खाली ट्राई किया है किसी चीज के लिए मीन्स बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाला लेकिन अगर आपने ट्राई टू बोला है तो इसका मतलब आपने बहुत एफर्ट उसमें डाला है उस काम को करने के लिए नेक्स्ट जो वर्ब है वो है मीन अगर आपने मीन प्लस आई एन जी यूज किया है तो टू हैव अ रिजल्ट इफ यू वॉन्ट टू अर्न इफ यू वॉन्ट टू अर्न मनी इनफ इट विल मीन वर्किंग वेरी हार्ड मीन वर्किंग वेरी हार्ड ओके नेक्स्ट मीन टू वर्ब इंटेंड मींस आपका इंटेंशन दिखाता है आई मीन टू से आई मीन टू से मतलब मेरा इंटेंशन राइट right? यहां पर आपका क्या है मीन प्लस आई एन जी आप रिजल्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं मीन टू प्लस व मीन्स आप इंटेंशन बता रहे हैं लर्न एंड टीच के साथ में देख लेते हैं लर्न एंड टीच आई एन जी फॉर्म अगर आती है तो लेसन और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी की बात हो रही है शी गोज टू लर्न डांसिंग यहाँ पे आई टॉट टाइपिंग वेन आई वॉज ट्वेल्व यहाँ पे हम जब भी अगर टीच और लर्न के साथ आई एन जी फॉर्म यूज करेंगे तो इसका मतलब हम किसी लेसन की या सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं लर्न एंड टीच वर् की अगर फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है टू शो रिजल्ट ऑफ स्टडी और बींग सक्सेसफुल इन लर्निंग आई स्किल हम एक स्किल के बारे में बात करें आ लर्न इड देखिए अगर टू हम यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज रिजल्ट की बात करें जो हमारी लर्निंग थी उसके रिजल्ट की बात कर रहे हैं आ लर्न इड टू टू स्पीक जैपनीज वेन आई वॉज विद माई फादर इन जैपनीज जैपैन मैं जब जापैन जब में था तो मैंने कोशिश की थी क्या सीखने की आई लर्न इट मैंने सीखी जैपनीज बोलनी नाउ लेट्स सी द वर्ड सॉरी सॉरी के साथ में अगर आपका सॉरी फॉर अबाउट और आई आ जाता है तो आप पास्ट थिंग जिनके बारे में आपको पश्चिम आप है या रिग्रेट करते हैं उसको शो कर रहे हैं लाइक आई एम सॉरी फॉर स्पीकिंग रूडली टू यू मीन्स मैंने आपसे कभी बहुत रूडली बात की थी इसलिए मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ तो उसके लिए मैं सॉरी फॉर स्पीकिंग वर्ड यूज करूंगा सॉरी और परफेक्ट इन्फिनेटिव परफेक्ट इन्फर्मेटिव देखते हैं आई आई एम सॉरी फॉर कीपिंग योर एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम विद दिस वी एंड दिस सेशन एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो